गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे कैसे हो आप सर? ओके ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। सो इन टुडे क्लास आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू द करियर इन इंडियन एयरफोर्स। ओके, आर यू इंटरेस्टेड इन इंडियन एयरफोर्स? ओके गुड। सो इन द टुडे क्लास आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द करियर इन Indian Air Force. Okay, so student, this is the four different armed forces. So can you able to recognize the four different armed forces? Okay, Indian Navy, very nice, very nice. Okay, Krishna and Kritika, very nice. And the second one is police. Okay, Indian police, very nice. And third one is army. Yeah, Indian, right, very nice. Indian Army. And the last one is very nice, Indian Air Force. So in the today class we will going to know about the career in Indian Air Force. Okay, so now about Indian Air Force. It is also known as Bharatiya Vayu Sena. Indian Air Force is the air arm of the Indian Armed Force. IAF was officially established on 8 October 1932. Air Force military organization of the nation that is primarily responsible for the conduct of air combat. The Indian Air Force is the air arm of the Indian Armed Force. It is complement of the personnel and the aircraft SS rank and rank fourth amongst the air force of the world. सो जितनी भी वर्ल्ड में एयरफोर्स है, इंडियन एयरफोर्स जो है वो फोर्थ नंबर पे है हम वर्ल्ड में। तो नाउ द मोटो ऑफ इंडियन एयरफोर्स, द मोटो ऑफ इंडियन एयरफोर्स इज द टच द स्काई विद ग्लोरी दैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द 11th चैप्टर ऑफ द गीता, द डिस्क्लोजर गिवन बाय द लॉर्ड कृष्णा टू अर्जुना ऑन द बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र ड्यूरिंग द ग्रेट वॉर ऑफ महाभारत। ओके, so what are, okay, so what are the missions and nature of work of IAF? So unka mission or nature of work kya hota hai, to usse chaliye hum thoda jante hain ki kya hota hai. First one is the gaining the control of air, second one is the supporting the surface force, and third one is the secure Indian airspace and conduct the armed conflict. So recently ek movie aayi thi, Bhuj movie, kitne logon ne dekhi thi ye movie? देखी ना? ओके, तो ये इंडियन एयरफोर्स में के ऊपर ही मूवी है, आप लोग को देखनी चाहिए, बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी उससे आप लोगों को। इसे रिसेंटली जस्ट आई थी। सो अगर आप इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हो और बहुत आपको मन है कि आपको इंडियन फोर्स ज्वाइन करना है एज अ इंडियन एयरमैन और एज अ इंडियन एयरफोर्स, तो देर आर सर्टेन पर्सनल ट्रेट यू मस्ट हैव दिस ट्रेट, जो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए। जो कि फर्स्ट वन आप देख रहे हो, हार्ड वर्कर, यू मस्ट बी अ हार्ड वर्कर, आपको हार्ड वर्कर होना पड़ेगा अगर आप इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि किसी भी टाइम किसी भी समय कोई भी ड्यूटी आ सकती है, आपको वो ड्यूटी करनी ही है। तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, आपको एक हार्ड वर्कर होना चाहिए, क्योंकि आप लेजी रहोगे, कहोगे कि नहीं मुझसे नहीं होगा, तो फिर आपको ज्वाइन करने में परेशानी होगी। तो अगर आप डिफेंस ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके दिमाग में सबसे पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि आपको एक हार्ड वर्कर होना चाहिए। सेकेंड, यू मस्ट हैव लव फॉर द कंट्री, आपको अपने देश के लिए प्यार होना चाहिए, आपको नेशन के लिए लव होना चाहिए। एंड थर्ड वन इज़ यू मस्ट बी वेल डिसिप्लिन, अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो आप डिफेंस लेने के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो आप डिफेंस में जाना चाहते हो तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप वेल डिसिप्लिन हो। अगर खुद में आपके अंदर डिसिप्लिन है ना, तो आपके लिए बहुत अच्छा है डिफेंस में जाने के लिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमें डिसिप्लिन होना चाहिए अपनी लाइफ में। एंड द फोर्थ वन इज़ द यू मस्ट हैव लीडरशिप क्वालिटीज, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टास्क आएंगे, बहुत सारे ऐसी चीज़ें आएंगी जो आपको हैंडल करना पड़ेगा डिफेंस में। जैसे मेरे क्लास से पहले भी सर ने डिस्कस किया था रो के बारे में, तो आपको एयर फोर्स में भी उसी तरह बहुत सारे आपको टास्क आएंगे, मिशंस आएंगे, वहाँ पर आपको हैंडल करना पड़ेगा अपने पूरा इंटायर टीम को। तो लीडरशिप क्वालिटी होना आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। एंड द नेक्स्ट इज यू मस्ट हैव गट्स फॉर द सेक्रीफाइस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम फॉर द कंट्री, आपको अपने कंट्री के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए एनी पॉइंट ऑफ टाइम रेडी रहना चाहिए। एंड नेक्स्ट वन इज यू मस्ट बी अ गुड डिसीजन मेकर, आपको डिसीजन लेना चाहिए
क्या किस वक्त क्या करना है, आपको गुड डिसीजन मेकर होना चाहिए. एंड नेक्स्ट इज द पंचुअल, यू मस्ट बी पंचुअल, आपको टाइम के लिए एकदम पंचुअल होना चाहिए. एंड द लास्ट वन इज द फिजिकल फिटनेस एंड द मेंटल फिटनेस. फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस बहुत ज़्यादा जरूरी है. अगर फिजिकली फिट नहीं रहोगे और मेंटली फिट नहीं रहोगे तो एयरफोर्स का जो एग्जाम होगा उसमें आपको काफ़ी काफ़ी मुश्किलें होने लग जाएंगी. तो उसके लिए आपको फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल फिटनेस काफ़ी ज़्यादा जरूरी है बिफोर ज्वाइनिंग द इंडियन एयरफोर्स. So now we will going to discuss about the conditions of work and the natures of work of Indian Air Force. क्या duty होती है, कितने घंटे के लिए होती है, क्या काम है, उसके बारे में हम थोड़े से यहाँ पे discuss करते हैं. The working hour of Indian Air Force and airmen are generally 75 hours to 100 hours per month. Working hours are typically 8 to 10 hours in a day depending on the mission of the individual who adopt the career as the Indian Air Force. Indian Air Force and Indian airmen are required to work on night, weekends, holidays and may spend lots of time away from their home base. Sometime आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपने घर से दूर रहना पड़े. अगर आपको कोई टास्क मिल गया कि आपको कहीं जाना है तो वहाँ पर आपके घर से दूर भी रहना पड़ सकता है, या फिर ज्वाइनिंग कहीं ऐसी जगह पर हो गई तो समटाइम ऐसा कभी कभी होता है कि घर से दूर रह सकते हो. अदरवाइज तो आप लोग अपने फैमिली को लेकर रह सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है. लेकिन मेंटली आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि मुझे 8 घंटे से 10 घंटे एक दिन में काम करना है. ये मे भी चेंज हो सकता है, मिशन आपको किस तरह से मिल रहा है इसके बेसिस पे आपका ड्यूटी आवर चेंज भी हो सकता है. और समटाइम ऐसा भी होगा कि वीकेंड्स में, हॉलीडेज में भी आपको काम करना पड़ सकता है. तो इसके तो मेंटली रेडी रहना है क्योंकि हमें देश के लिए करना है. तो ये सब चीज़ें तो कुछ खैर ज़्यादा हमारे लिए केयर नहीं होता ये सब चीज़ें. सो सिलेक्शन प्रोसेस, आपको ये चीज़ें बहुत ध्यान से देखना है. अगर आपके मन में है कि हम इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, या आपके कोई फ्रेंड्स है, आपके फैमिली में कोई है जो इंडियन एयरफोर्स जाना चाहता है, तो ये चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है. तो सिलेक्शन प्रोसेस इज डिवाइडेड इंटू 3 मेन स्टेजेस, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज एंड द थर्ड स्टेज. इन द फर्स्ट स्टेज रेस्पॉन्ड टू एडवर्टाइजमेंट फॉलो बाई द रिटन टेस्ट. आपको रिटन टेस्ट में अपेयर होना है एंड इफ यू क्लियर योर रिटन टेस्ट देन यू विल गो टू द AFSB, डेट इज द एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड टेस्टिंग. ASB में जाओगे दो, जो वो दो स्टेज में आपका टेस्ट कंडक्ट करते हैं, स्टेज वन टेस्टिंग एंड द स्टेज टू टेस्टिंग. वहाँ पे अगर आप दोनों स्टेज आप क्लियर करते हो देन आपका होता है मेडिकल एग्जामिनेशंस. अब मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट अगर हो गया और आपने क्लियर कर लिया इन तीनों स्टेजेस को, देन आपको भेजा जाता है ट्रेनिंग के लिए. तो फर्स्ट वन इज द इनडायरेक्ट एंट्री एंड सेकेंड वन इज द डायरेक्ट एंट्री. इन इनडायरेक्ट एंट्री आपको रिटन एग्जाम में अपेयर होना पड़ेगा और रिटन एग्जाम देना पड़ेगा और आप क्लियर करते हो तभी आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है. बट इन द डायरेक्ट एंट्री यू डोंट नीड टू अपेयर इन द रिटन एग्जाम. तो इन डायरेक्ट एंट्री क्या है उसके बारे में और इनडायरेक्ट एंट्री क्या है उसके बारे में चलिए थोड़ा सा डिटेल्स में हम जानते हैं. So actually if you want to join Indian Air Force na, there are 6 different exams and entry through which you can appear in the exam and you can join Indian Air Force. First one is the NDA entry. So can anyone just tell me about the full form of NDA? Yeah, right. Anushka, right? National Defense Academy, right. So National Defense Academy, NDA entry. Meri awaaz clear hai na sabko? Am I audible? Okay. So NDA entry, you must have 10+2. That means your class 12. आपका क्लास 12 होना चाहिए तभी आप NDA एंट्री में अपेयर हो सकते हो. इसके बारे में भी डिटेल्स में हम जानेंगे कि और क्या चाहिए आपको अदर क्वालिफिकेशन विथ योर क्लास 10th. नेक्स्ट वन इज द CDS एंट्री, कॉमन डिफेंस एंट्री. उसके लिए आपको चाहिए ग्रेजुएट 3 years कोर्स इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ फिजिक्स एंड द मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल. इसके बारे में भी डिटेल्स में हम जानेंगे इन द फर्दर स्लाइड. थर्ड एंट्री इज नॉन एज द एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, डेट इज नॉन एज द FCAT. फॉर दिस यू मस्ट हैव ग्रेजुएशन इन एनी ब्रांच. एंड द फोर्थ वन इज द NCC डायरेक्ट एंट्री, जो मैंने डायरेक्ट एंट्री की बात की थी ना, इफ़ यू हैव NCC देन यू कैन डायरेक्टली अप्लाई टू द इंडियन एयरफोर्स. उसके लिए आपको चाहिए बस 10+2 फिजिक्स प्लस मैथमेटिक्स एंड अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो देन आपके ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स होने चाहिए.
एंड द फिफ्थ वन इज द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंट्री, उसके लिए भी आपको ग्रेजुएट होना चाहिए इन एनी सब्जेक्ट ऑफ द साइंस. एंड द लास्ट वन इज द एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप ऑनलाइन एग्जाम, ये एयरमैन के लिए होता है जिसके लिए आपको 10+2 चाहिए विथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एंड अलॉन्ग विथ इंग्लिश. तो ये चीज़ें आपको होनी चाहिए, तो आप ये सारे एग्जाम अपेयर कर सकते हो और आपका क्लियर होता है तो आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा. और ट्रेनिंग आपका 1 साल 2 साल तक चलता है, अगर वो हो गया तो आप डायरेक्टली आपको पोस्टिंग मिलेगी और आप ज्वाइन कर सकते हो. तो चलिए पहले हम ऑफिसर्स के बारे में जानते हैं. अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करना चाहते हो एज अ ऑफिसर, नॉट एज अ एयरमैन, आप डायरेक्टली ऑफिसर एज अ ज्वाइन करना चाहते हो इंडियन एयरफोर्स, तो कमीशन ऑफिसर एंट्रीज आर इन द डिवाइडेड इंटू 3 मेन ब्रांचेस. फर्स्ट वन इज द फ्लाइंग ब्रांच. So flying high by joining the flying branch of Indian Air Force, we will be the train as the fighter pilot or the helicopter pilot or as a transport pilot and are the part of the various peace war at the mission. तो आप एज अ पायलट ट्रेंड हो गए अगर आप फ्लाइंग ब्रांच अगर आप ज्वाइन करते हो और फ्लाइंग ब्रांच के लिए भी एग्जाम देते हो तो आप एज अ पायलट अपॉइंट हो गए. सो द नेक्स्ट वन इज द एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग ब्रांच विच इज ऑल्सो नोन एज द ग्राउंड ड्यूटी एंड द टेक्निकल ब्रांच. सो अगर आप टेक्निकल में जिसको इंटरेस्ट है और जो चाहते हैं कि मुझे टेक्निकल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और टेक्निकल ब्रांच में आप लोग अगर जाना चाहते हो ना, तो यू कैन ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स एज अ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग ब्रांच एज एन ऑफिसर इन द ग्राउंड ड्यूटी एंड टेक्निकल ब्रांच. यू प्रोपेल एंड मैनेज द टीम टू इंश्योर डेट द मैनेज योर टीम टू इंश्योर डेट द इंडियन एयरफोर्स रिमाइन द वॉथी. यू वुड बी इन द charge of some most sophisticated equipment in the world by joining the sub branches based on your qualification. तो अगर आपको technical में interest है तो आप technical में as a officer join कर सकते हो. So next one is the ground duty branches which is also known as the non-technical branch. अगर किसी को non-technical में interest है, technical में interest नहीं है, तो आप non-technical branch भी join कर सकते हो. Managing the human material resource at the ground duty non-technical branches is the mechanism that steer the Indian Air Force. So, यहाँ पे हमने जो NDA की बात की थी, 10+2 की बात की थी, तो उसके बारे में हम डिटेल्स में जानते हैं कि आपको अदर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए इफ़ यू वांट टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स थ्रू आफ्टर योर क्लास 12, डायरेक्टली आफ्टर योर क्लास 12. तो यू कैन जॉइन NDA बाय टेकिंग एग्जाम कंडक्टेड बाय यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC एंड दिस एग्जाम इज कंडक्टेड ट्वाइस इन अ ईयर ऑल मेजर सिटीज थ्रू आउट द इंडिया. सो UPSC एक एग्जाम कंडक्ट करता है NDA जो हर मेजर सिटीज में होता है इंडिया का, तो आप इसके थ्रू अपेयर हो सकते हो. तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या चाहिए. फर्स्ट, योर एज मस्ट बी 16 to 19 ईयर्स एट द टाइम ऑफ द कंसेंटमेंट ऑफ द कोर्स एंड योर नेशनलिटी मस्ट बी इंडियन एंड जेंडर मेल एंड फीमेल बोथ कैन अप्लाई एंड दिस इज द ग्रेट न्यूज फॉर गर्ल्स क्योंकि इन द लैंडमार्क जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट व्हेन वेडनेसडे पास्ड ऑन इंट्रीम ऑर्डर अलाउइंग द वुमेन टू अपेयर इन द NDA एग्जाम. कितने लोगों को ये पता था कि वेडनेसडे को ही सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रीम ऑर्डर पास किया है कि अब NDA एग्जाम में लड़कियां भी बैठ सकती हैं और आप NDA के थ्रू डायरेक्टली डिफेंस ज्वाइन कर सकती हो. कितने लोगों को ये बात पता था, किसी को आइडिया था इस बारे में, इस वेडनेसडे को? वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस. तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा ग्रेट न्यूज़ है. अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हो तो बहुत ही ग्रेट न्यूज़ है आप लोगों के लिए ये. And now about the qualifications, 10+2 with physics and mathematics, appearing final year students can also eligible to apply. अगर आप final years के student हो तो आप appear directly कर सकते हो. And the advertisement schedule, January and June में इसका advertisement आता है. And the website is the www.upsc.government.in. और don't worry, मैं website आपके class के end में आपके WhatsApp group में मैं provide कर दूंगी. जो भी website है सारे मैं details आपको दे दूंगी. तो आपको update रहना पड़ेगा, January के और June के time पे इसका advertisement आता है, तो इस समय में आपको थोड़ा सा update रहना पड़ेगा. Next one is the ground duty entry, जो मैंने starting बोला था, which is known as the FCAT entry, Common Force Admission Test, जिसके लिए आपको eligibility criteria चाहिए ground duty के लिए. 10+2 एज चाहिए आपका 20 to 26 ईयर्स फॉर ग्रेजुएट. आपका एज उस यहाँ वहाँ पे था 16 to 19, यहाँ पे आपका एज होना चाहिए 20 to 26 ईयर्स एंड योर नेशनलिटी मस्ट बी इंडियन एंड जेंडर बोथ मैन एंड वीमेन कैन अप्लाई एंड योर क्वालिफिकेशन 60% मार्क्स इन ग्रेजुएशन इन एनी ब्रांच. आप किसी भी ब्रांच से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, आप अप्लाई कर सकते हो. बस आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स होना चाहिए 60%. और इसका भी एडवर्टाइजमेंट आता है जून एंड दिसंबर के टाइम. और इसका वेबसाइट है careerairforce.nic.in एंड आई विल ऑल्सो प्रोवाइड दिस लिंक टू यू ऑल. सो ये था
जो फर्स्ट वन इज था ये नॉन टेक्निकल के लिए था. अगर आप टेक्निकल के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इसके लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट है जो आपको होनी चाहिए आपके पास. जस्ट फॉर एग्जांपल, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री व्हाइल इन योर फाइनल सेमेस्टर ऑफ इंजीनियरिंग. अगर आपके इंजीनियरिंग डिग्री आपको कंप्लीट करनी है इसके लिए, और आप इंजीनियर डिग्री के फाइनल ईयर में भी हो तो भी आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो. उसके लिए योर मास्ट मस्ट हैव 60% मार्क्स एंड बोथ हेयर बोथ एंड फीमेल कैन अप्लाई एंड एज 20 to 26 ईयर्स एट द टाइम ऑफ द कंसाइनमेंट ऑफ द कोर्स एंड योर नेशनलिटी मस्ट बी इंडियन एंड मैराइटल स्टेटस यू मस्ट बी अनमेरिड. ओके, सो सी डी एस एंट्री. अगर आप वो सब एग्जाम के थ्रू नहीं जाना चाहते हो, आप डायरेक्टली सी डी एस एंट्री के थ्रू अपियर होना चाहते हो एग्जाम में, तो इसके लिए आपका एज होना चाहिए 20 to 24 ईयर्स एंड नेशनलिटी मस्ट बी इंडियन, जो हमारे पास ऑलरेडी है ही. जेंडर वीमेन एंड मेन बोथ कैन अप्लाई. अगर वीमेन अप्लाई करना चाहती है तो आप यहाँ पे, अगर वीमेन सी डी एस एग्जाम आप लोग दे रहे हो ना, तो आप डायरेक्टली इंडियन आर्मी के लिए भी जा सकते हो. अगर आपने सी डी एस एग्जाम पास किया है तो आप इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स कोई भी ज्वाइन कर सकते हो. और इसके लिए आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, ग्रेजुएट इन 3 years इन एनी डिसिप्लिन ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट 10+2. एंड अगर आप फाइनल ईयर्स की स्टूडेंट हो तो यू कैन ऑल्सो अप्लाई. ओके, इज इट क्लियर ना एवरीवन? आपको सबको क्लियर है ये? किसी को कुछ डाउट तो नहीं है यहाँ तक? ओके ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस. ओके ओके, कितने लोगों का यहाँ पे एनसीसी है? आप लोग में से किसी का एनसीसी है यहाँ पे? यस मैम. ओके, अरे वाह, तब तो बहुत ही अच्छी बात. आप लोगों के लिए ये बहुत ही बेस्ट बेस्ट चीज़ है. अगर आप एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हो तो आपके लिए, जो मैंने डायरेक्ट एंट्री की बात की थी ना, एनसीसी इज ऑल्सो नोन एज द डायरेक्ट एंट्री. अगर आपके पास एनसीएस सीनियर विंग सी सर्टिफिकेट है ना, तो आप डायरेक्टली विदाउट अपियरिंग इन द रिटेन एग्जाम आप एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हो. आपको रिटेन एग्जाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है. उसके लिए बस आपका क्वालिफिकेशन चाहिए 10+2 फिजिक्स अलोंग विथ मैथमेटिक्स. अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करके जाना चाहते हो तो आपको ग्रेजुएशन में 60% मार्क चाहिए. बस आपका एज होना चाहिए 20 to 24 ईयर्स. और इसका भी एडवर्टाइजमेंट शेड्यूल आता है जनवरी और जून में. और बस यू मस्ट बी अनमैरिड एंड हियर बी बोथ मेल एंड फीमेल कैन अप्लाई. तो अगर आपके पास एनसीसी है तो आपको रिटेन एग्जाम बिल्कुल नहीं देना, डायरेक्टली इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हो. तो ये आपके लिए बहुत ग्रेट न्यूज़ है. ये चीज़ें कितने लोगों को पता थी पहले से? अगर आप एनसीसी में हो तो आप ये चीज़ तो, यस राइट, ओके गुड. सो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंट्री, अगर आपको वो सारे एंट्री में नहीं जाना, आपको डायरेक्टली मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंट्री के थ्रू जाना है, तो इसके लिए यू मस्ट हैव पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री ऑफ एनी सब्जेक्ट ऑफ द साइंस हैविंग मिनिमम 50% मार्क्स एग्रीगेट इन पोस्ट ग्रेजुएशन. आपको पोस्ट ग्रेजुएशन 50% मार्क्स होना चाहिए और आपको साइंस बैकग्राउंड से होना चाहिए. और आपका यू कैंडिडेट मस्ट हैव द 10 मस्ट हैव मैथ एंड फिजिक्स इन ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 55% मार्क्स इन बोथ द सब्जेक्ट. एंड हेयर ऑल्सो बोथ फीमेल एंड मेल कैन अप्लाई. और इसका भी एडवर्टाइजमेंट जनवरी एंड दिसंबर में आता है. एंड योर एज मस्ट बी 20 to 26 ईयर्स. ओके, दिस वन इज द लास्ट एंट्री, नॉन कमीशन. अगर आपको नॉन ऑफिसर से ज्वाइन करना है एज एयरमैन, तो उसके लिए दो एग्जाम होता है, एयरफोर्स एक्स एंड वाई ऑनलाइन एग्जाम एंड नेक्स्ट वन इज द एयरफोर्स ऑफलाइन रैली भर्ती, जिसके लिए आपका 10+2 होना चाहिए मैथमेटिक्स फिजिक्स और इंग्लिश के साथ, जहाँ पे आपको 50% मार्क्स सिक्योर करना है तीनों सब्जेक्ट में. और यहाँ पे आपका एज होना चाहिए 16 to 20 ईयर्स. अगर आपने सारे एग्जाम क्लियर कर लिए और आपका सारा एग्जाम क्लियर हो गया, देन आप लोग को भेजा जाएगा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में. मैंने यहाँ पे सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मेंशन नहीं किए, मैंने सिर्फ यहाँ पे साथ ही ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लिया है. तो दे विल सेंड टू यू इन द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट. मे बी आपको 1 ईयर और मे बी 2 ईयर के लिए ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसके बाद ही आपको पोस्टिंग दी जाती है कहीं कहीं जगह पे, डिपेंड ऑन कहाँ पे आपको पोस्टिंग मिल रहा है और आप एज अ ज्वाइन कर सकते हो एज अ ऑफिसर और एज एयरमैन. तो पहले आपको ट्रेनिंग दी जाती है, जहाँ पे मैंने यहाँ पे सिर्फ 7 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का मेंशन किया. फर्स्ट वन इज द बेसिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बेलगाम, नेक्स्ट वन इज द मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट MTTI जो कि है अवादी चेन्नई में, थर्ड वन इज द वर्कशॉप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट WTY जो है ताम्बरम चेन्नई में, एंड फोर्थ वन इज द मैकेनिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट MTY विच इज ऑल्सो सिचुएटेड इन द ताम्बरम चेन्नई, एंड फिफ्थ वन इज द इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ETI वो है बैंगलोर में, एंड सिक्स्थ वन इज द कम्युनिकेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट CTI वो भी है वेस्ट बैंगलोर में, एंड लास्ट वन इज द नॉन टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट NTTI. यहाँ पे मैंने सिर्फ 7 मेंशन किया, इसके अलावा बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है. तो वो आपको डिपेंड करता है, आपने रिटन एग्जाम क्लियर किया है तो उसके बाद आपको
ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भेजा जाएगा ट्रेनिंग के लिए, जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होगी कि आप उसके बाद कैसे एज अ एयरफोर्स ऑफिसर आप ज्वाइन कर सकते हो। सो रैंक, यहाँ पे हम जो रैंक की बात करेंगे, प्रमोशन रैंक के बारे में कि कौन कौन से रैंक होते हैं। तो अगर लीडिंग एयरक्राफ्ट एज ए ज्वाइन कर रहे हो ना, तो लीडिंग एयरक्राफ्ट टू कॉर्पोरल, कॉर्पोरल इज अ पोस्ट, ओके, जो विच इज ऑल्सो नोन एज द CPL। तो अगर लीडिंग एयरफोर्स टू कॉर्पोरल आप अगर होना चाहते हो, तो आपको 5 years एज अ एयरफोर्स ऑफिसर आपको वर्क करना पड़ेगा इज ए इंडियन एयरफोर्स, तो आप ही लीडिंग एयरक्राफ्ट टू कॉर्पोरल हो गए। एंड इफ यू कॉर्पोरल टू सर्जेंट, जो विच इज ऑल्सो नोन एज द SGT सर्जेंट, अगर कॉर्पोरल टू वो सर्जेंट आपको बनना है, तो आपको 13 years तक काम करना पड़ेगा, इज द सीनियर रैंक। कॉर्पोरल टू सीनियर रैंक है सर्जेंट। और अगर आप सर्जेंट टू जूनियर वारंट ऑफिसर होना चाहते हो, तो सर्जेंट टू जूनियर वारंट ऑफिसर होने के लिए आपको 17 years कंप्लीट करना पड़ेगा इन इंडियन एयरफोर्स। एंड जूनियर वारंट ऑफिसर टू वारंट ऑफिसर के लिए आपको 23 years कंप्लीट करना पड़ेगा। एंड वारंट ऑफिसर टू मास्टर वारंट ऑफिसर के लिए आपको 28 years कंप्लीट करने पड़ेंगे इन इंडियन एयरफोर्स। इसके अलावा भी बहुत सारे रैंक है, पोस्ट है एज ऑफिसर, जस्ट लाइक वारंट ऑफिसर, स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर, बहुत सारे इसके पोस्ट है। वो डायरेक्टली आप एफ एग्जाम करोगे, एग्जाम क्लियर करोगे, तो आप डायरेक्टली एज ऑफिसर ज्वाइन भी कर सकते हो एग्जाम देने के बाद। तो दिस आर ऑल द रैंक ऑफ इंडियन एयरफोर्स। यहाँ पे मैंने कुछ ही रैंक को मेंशन किया है, क्योंकि आई नो द टाइम इज रनिंग, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ ही रैंक को मेंशन किया है। सो मंथली पैकेज, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई नो वर्किंग इज इंपॉर्टेंट और समटाइम मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, पैसे भी चाहिए। सो मंथली पैकेज ऑफ इंडियन ऑफिसर्स, एयरफोर्स ऑफिसर्स वुड बी, इफ यू ज्वाइन एज अ फ्लाइंग ब्रांच ना, योर मंथली सैलरी वुड बी अराउंड 74,000 इन अ मंथ, एंड इन अ ईयर 9 lakhs। अगर आप टेक्निकल ब्रांच ज्वाइन करना चाहते हो, तो 65,000 इन अ मंथ, और सैलरी इन अ ईयर विल बी 8 lakhs। एंड ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो, तो 63,000 एंड 7,56,000 इन अ ईयर। तो ये एक स्टेबल सैलरी नहीं है, आपकी सैलरी बढ़ती रहती है, वो सैलरी हर मंथ और आपके रिक्रूटमेंट के हिसाब से वो बढ़ती रहेगी, इंक्रीज होते रहेगी। तो एक स्टेबल नहीं है आपकी, हर मंथ और जितना पोस्ट रैंक हाई जाते जाओगे, आपकी सैलरी वो इंक्रीज होती जाएगी। सो आपकी सैलरी के अलावा यू मस्ट गेट सम एडिशनल बेनिफिट्स ग्रांटेड ऑफ टू इंडियन एयरफोर्स, जस्ट लाइक फर्निस, एकोमोडेशन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, डोमेस्टिक हेल्प एट नो लो चार्जेस, एंड LTC स्कीम फॉर वेकेशंस, बेनिफिट्स लाइक फ्री हॉस्पिटल्स, कैंटीन बेनिफिट एंड लाइफ टाइम पेंशन इफ सर्विस एटलीस्ट 20 years। तो अगर आपका सर्विस 20, ये सब बेनिफिट्स आपको मिलेंगे सैलरी के अलावा। और अगर आप 20 years आपने कंप्लीट कर लिया ना इंडियन एयरफोर्स में, उसके बाद अगर आप जॉब छोड़ते भी हो, या आप पढ़ाई करने के लिए भी जाते हो, और अगर आप चाहते हो कि नहीं, अब मैं इंडियन एयरफोर्स में नहीं रहना चाहता हूँ, मैं कुछ और जॉब ज्वाइन करना चाहता हूँ, और आपने 20 years कंप्लीट कर लिए हैं, तो उसके बाद आपको लाइफ टाइम पेंशन इंडियन एयरफोर्स आपको देगा। चाहे आप इंडियन एयरफोर्स में हो या नहीं हो, लेकिन आपको लाइफ टाइम पेंशन मिलेंगे। सो वाई इंडियन एयरफोर्स? द इंडियन एयरफोर्स नॉट ओनली ऑफर यू एडवेंचरस एंड चैलेंजिंग करियर, बट ऑल्सो टेक केयर ऑफ all your need, including the accommodation, healthcare, recreational facilities and education for your children. तो ये सारे benefits आपको एयरफोर्स दे रहा है, not only in salary, but ये सारे आपको ये सारी सुविधाएँ, ये healthcare facilities, accommodation, education for your children, आपको भी education करने का मौका मिलेगा। अगर आप पढ़ना भी चाहते हो एयरफोर्स ज्वाइन करके ना, कि मुझे अब एयरफोर्स मैंने जो ज्वाइन कर लिया क्लास 12 के बाद, तो मुझे अभी भी पढ़ना है, तो एयरफोर्स उसकी भी फैसिलिटीज़ देती है, उसके लिए भी आपको छुट्टी देती है, उसके लिए भी आपको पैसे मिलते हैं, तो आप उसके बाद भी अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो। उसके लिए आपको पूरा छुट्टी मिलेगा कि हाँ, आप जाओ इतने दिन के लिए, आप अपने पढ़ाई को कंप्लीट करके आओ, तो आपको सारी फैसिलिटीज़ एयरफोर्स देती है। सो गुंजन सक्सेना स्टोरीज, हैव यू हियर अबाउट द गुंजन सक्सेना? या वेरी राइट, गुड। तो फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना वॉज द फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स वुमेन ऑफिसर हु वेंट फॉर वॉर, एंड सी मेड अ हिस्ट्री ड्यूरिंग द कारगिल वॉर इन द 1999 व्हेन एज अ फ्लाइंग ऑफिसर सी फ्ल्यू अ चीता एयरक्राफ्ट टू द कॉम्बैट जोन एंड रेस्क्यूड सेवरल सोल्जर। सो कितने लोगों ने गुंजन सक्सेना मूवी देखी है? देखी है ना, वेरी नाइस। अगर किसी ने नहीं देखी है तो आप राइट, अगर आप लोगों ने, बहुत लोगों ने नहीं देखी है, तो आप लोगों को देखनी चाहिए मूवी। उस मूवी से भी बहुत नॉलेज मिलती है कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हमें क्वालिटीज़ और रिक्वायरमेंट चाहिए। तो गुंजन सक्सेना इज अ रियल स्टोरी जो इनके ऊपर था, जो फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना जो फर्स्ट वीमेन थी जो एयरफोर्स एज अ ऑफिसर जो कारगिल वॉर में गई थी, और उन्होंने बहुत सारे सोल्जर को उन्होंने वहाँ पर रेस्क्यू किया था ड्यूरिंग द कारगिल टाइम।
वॉर टाइम, तो सी इज द फर्स्ट इंडियन ऑफिसर. तो ये एक ये हमारी इंस्पिरेशन है, अगर आपको जाना है तो आप इनसे इंस्पायर हो सकते हो. सो इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स ना, तो अगर आप चाहते हो कि क्या कोचिंग है क्या कोचिंग नहीं है, मुझे कौन सी कोचिंग लेनी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे कुछ कोचिंग सेंटर के बारे में मेंशन किया है. बलोनोई अकाडमी प्रोवाइड द कोचिंग फॉर CDS, NDA, इंडियन एयरफोर्स रिक्रूटमेंट, एफ केट एंड इंडियन नेवल अकाडमी रिक्रूटमेंट एट 5 सेंटर अक्रॉस द इंडिया एंड इट हैज लोकेटेड इन दिल्ली, जयपुर, देहरादून. अगर आपको उसके लिए कोचिंग भी लेना है तो दिल्ली, जयपुर, देहरादून में कोचिंग सेंटर है जो आपको कोचिंग देती है फॉर NDA, एफ केट और CDS, उसके लिए आपको कोचिंग दी जाती है. तो अगर आप चाहते हो कि मैं कोचिंग लेना चाहता हूँ, तो इसके थ्रू भी आप जा सकते हो, कोचिंग भी ले सकते हो. सो थैंक यू. तो यहाँ पे मैं एक स्मॉल सा वीडियो प्ले करूँगी आप लोगों के लिए, बस 2 मिनट का वीडियो है, आप लोगों को देखने चाहिए वीडियो. So, do you have any question? Is it clear to everyone? Is it clear? Okay, तो मैं अभी ये उम्मीद कर सकती हूँ ना, बहुत सारे लोग इंडियन एयरफोर्स के लिए अप्लाई करने वाले हैं. ओके 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 ओके, वेरी नाइस स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन. एंड मैं आपको ये पैम्पलेट रिलेटेड टू ऑल वेबसाइट्स एंड लिंक क्या है और फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी. ओके ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू.